इंग्लिश टीचर देखिए डेट हो गई आज आपकी 31/7/2020 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड टॉपिक है ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन में चल रहा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट करा दिया आज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है इसकी पहचान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं आदि शब्द होते हैं। ठीक है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज रिमार्क प्लस वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है इसका एग्जांपल देखेंगे मैं परीक्षा दे रहा हूँ आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए अब निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज रिमार्क प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप आज बारिश नहीं हो रही है इट इज नॉट रेनिंग टुडे। ठीक है स्टूडेंट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट टू टाइप के होते हैं एक यस या नो टाइप वाले और एक वाई टाइप वाले। यस या नो टाइप वाले यानी कि जो क्या से स्टार्ट होते हैं जैसे कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ तुम क्या मैं और जो है यानी कैसे स्टार्ट होते हैं जैसे तुम क्या कर रहे हो नहीं नहीं क्या मैं गाना गा रहा हूँ क्या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है इस टाइप के यानी कैसे शब्द होते हैं जैसे कि क्या परीक्षा चल रही है। ठीक है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एन आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जैसे क्या पक्षी चहचहा रहे हैं ऑल द वर्ड्स चिरपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स टू सेकेंड इंट्रोवर्ट यानी कि जो वाई टाइप वाले हैं उसकी स्ट्रक्चर होगी सबसे पहले इंट्रोवर्ट यानी प्रश्नवाचक शब्द फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म में आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल होगा तुम्हें कौन बुला रहा है तो हु इज कॉलिंग यू। ठीक है स्टूडेंट्स ये सारे सेंटेंस आपको अपने नोटबुक में नोट करनी है और आपके पास जो भी बुक हो न्यू लाइट हो न्यू स्टाइल हो एक्स वाई जो भी ग्रामर की बुक हो उसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सारी एक्सरसाइज यानी कि अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स